गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? चलिए सर, आज हम जो लास्ट जो बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये लास्ट चीज रह गई है दोस्तों जिसको हमको डिस्कस करना है। कुणाल पाटिल गुड मॉर्निंग, ओके, दिव्या वेरी गुड, सभी लोग गुड मॉर्निंग, ओके। तो लास्ट पार्ट जो है वो हमने सीखना है। सर देखो, आफ्टर डेट बिल अगर है तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन से पीरियड ऐड करने का, 3 डेज ग्रेस। और अगर आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से पीरियड ऐड करने का और उसमें 3 दिन ग्रेस लगाने का। अभी यहाँ पे कैसा है दोस्तों, एक जगह बता कि भाई एट साइट है, वो आफ्टर साइट नहीं है। आपको मैं समझाता हूँ, देखो एक ने मुझसे सवाल पूछा था मेरे व्हाट्सएप पे, यहाँ पे वर्ड है, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, आफ्टर साइट बिल, क्या है आफ्टर साइट बिल, तो यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ग्रेस पीरियड इज 3 डेज अलाउड इन दिस बिल्स, आफ्टर साइट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहाँ गया, कहीं तो था वो, उसमें एट साइट है, क्या है एट साइट, वर्ड में क्या है डिफरेंस है, एट साइट है, ठीक है। तो आफ्टर साइट में 3 डेज ऐड करना है, आफ्टर डेट में 3 डेज ग्रेस ऐड करना है, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं, सबसे पहला मेरा सवाल, साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, यस और नो? अरे हाँ या ना, जनवरी है, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, राइट, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यस और नो? नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ठीक है, ध्यान से, जनवरी में कितने डेज होते हैं? डेज, ये तो मंथ्स हो गए हमारे, ये क्या हो गए हमारे, मंथ्स, बराबर है क्या? नहीं, यस और नो? अब हम बात करते हैं डेज, जनवरी में कितने डेज होते हैं दोस्तों? 31, फरवरी में 28 या 29, लीप ईयर रहेगा तो 29 लीप ईयर रहेगा, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है तो 29 रहेगा, अगर वो लीप ईयर नहीं तो 28। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31 है दोस्तों, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, बराबर है यस और नो? लीप ईयर कैसे पहचानने का कि कौन सा साल लीप ईयर है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल 2020, ये 4 से डिवाइड होता है, 4 5 20, 4 5 455, बराबर है क्या? नहीं, यस और नो? जो कंप्लीटली किससे डिवाइड होता है दोस्तों आपका, यस, जो कंप्लीटली किससे डिवाइड होता है आपका, 4 से, वो आपका लीप ईयर है, यस और नो? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, क्लियर हो गया सभी लोगों को? सिंपल चीज है, जो आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 2021 लीप ईयर नहीं है, हर 4 साल के बाद आता है, तो 2016, 2020, इसके पहले 2012, 2024,
ये सब आपके क्या हैं, लीप ईयर हैं। ओके, और इसमें आपका जो फरवरी महीना रहेगा, आपका जो फरवरी महीना रहेगा वो 29 डेज का रहेगा। कितने डेज का रहेगा? 29 डेज। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। 2012, 2016, 2020, 2024, हर चार चार साल के बाद आता है, याद रखना। 2020 हमारा लीप ईयर था, ये हमेशा याद रखना। 2020 आपका कौन सा ईयर था? लीप ईयर था। बस आगे पीछे चार चार साल करो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्यू डेट ढूंढना है हमको। देखो, आपको यहां पे क्या ढूंढना है? ड्यू डेट। आपको यहां पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया रहेगा, डेट ऑफ बिल ड्रॉन भी रहेगा। मैं एक जनरल बता रहा हूं आपको, बराबर है क्या? नहीं, एक्सेप्टेंस रहेगा, डेट ऑफ बिल ड्रॉन रहेगा और पीरियड रहेगा। ठीक है, पीरियड जो होता है वो आपका पीरियड बोलो या टेन्योर बोलो, ये मंथ्स में भी हो सकता है या ये डेज में भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे जो आपका ड्यू डेट है वो उसमें दो है, एक है आफ्टर डेट और एक है आफ्टर साइट। अगर आफ्टर डेट है तो आपने डेट ऑफ बिल ड्रॉन से क्या करना है? पीरियड उसमें ऐड करना है। और अगर आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से आपने पीरियड ऐड करना है। और उसके बाद जब आप खाली पीरियड ऐड करोगे तो वो आएगा आपका नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, खाली आप क्या ऐड करोगे इसमें? पीरियड। खाली क्या ऐड करोगे? पीरियड, जो भी रहे सिर्फ पीरियड, तो वो आपको मिलेगा नॉमिनल ड्यू डेट। और आप इसमें जब 3 डेज, जिसको आप बोलते हैं ग्रेस डेज, ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट। क्या मिल जाएगा दोस्तों? लीगल ड्यू डेट। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, क्या मिल जाएगा आपको? लीगल ड्यू डेट। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अगर आपका लीगल ड्यू डेट कोई भी पब्लिक हॉलिडे आता है, क्या आता है? अगर कोई भी पब्लिक हॉलिडे आएगा तो 1 प्रीसीडिंग डे बिफोर, मतलब प्रीसीडिंग डे को बिल क्या हो जाएगा? ऑनर। जैसे अगर 26 जनवरी आ रहा है तो 26 नहीं लेना, 25 लेना। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। अगर 15 अगस्त आ रहा है तो 14 अगस्त लेना। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना है आपको दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमको कंप्लीट द फॉलोइंग, आज हमारा पास लास्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का ये कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद आपका सारा जो ऑब्जेक्टिव्स है और आपका सब चीजें क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो, डेज आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो अब हमको ढूंढना है कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, आपके सामने है। सब मिटा देता हूं मैं यहां से, जो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं ध्यान से। कंप्लीट द फॉलोइंग क्या बोला है? डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ, 30 जनवरी 2019। ठीक है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया, ये बिल एक्सेप्ट होना जरूरी है, 1 फरवरी 2019। बराबर है क्या? हाँ। अगर पेबल, देखो ये आपको पेबल मतलब ये टेन्यूअर है, पीरियड है। अब क्या बोला है यहां पे, गौर से देखिए, 60 डेज आफ्टर डेट 60 दिनों के बाद। तो अब ये 60 डेज आप किस में ऐड करोगे, जल्दी बताओ? 60 डेज कब से गिनोगे? डेट ऑफ ड्रॉइंग से गिनोगे 60 डेज या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से गिनोगे 60 डेज? जल्दी बताइए, मेरे को आंसर नहीं चाहिए श्रेय, मेरे को, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं बताओ, डेट ऑफ ड्रॉइंग से गिनोगे या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से गिनोगे? जल्दी, वेरी गुड, डेट ऑफ ड्रॉइंग से, वेरी गुड। अंजलि चौहान कल आप एबसेंट थी, श्रेया कामले भी एबसेंट था कल, साक्षी मोगल भी एबसेंट थी कल। हाँ, चलो
कब से गिनना है आपको? डेट ऑफ ड्रॉइंग, हाउ मेनी डेज? 60 डेज। अब ड्यू डेट, देखो ड्यू डेट अभी यहां पे पूछा है आपको, नॉमिनल या लीगल ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है, तो अपन उसको लीगल मान के चलने का। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम उसको क्या मान के चलेंगे? लीगल ड्यू डेट, ठीक है? क्योंकि दो ड्यू डेट होती है, एक होती है नॉमिनल और एक होती है लीगल। तो जब यहां पे खाली पूछा है ड्यू डेट बताओ, खाली पूछा है ड्यू डेट बताओ, देखो जैसे इस प्रॉब्लम में आपको दो पूछा है, नॉमिनल और लीगल, बराबर है क्या? नहीं। पर यहां पे सिर्फ ड्यू डेट बोला है, तो उसको बाय डिफॉल्ट मान के चलने का कौन सा ड्यू डेट? लीगल ड्यू डेट। बाय डिफॉल्ट कौन सा मान के चलो आप उसको? लीगल ड्यू डेट। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो समझा सबको, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है? अब आप इसको ढूंढोगे कैसे? तो 60 डेज आफ्टर डेट, 30 जनवरी 2019, आप देखो यहां मैं लिखता हूं 30 जनवरी 2019, बराबर। ये डेट ऑफ ड्रॉइंग आफ्टर डेट है। हाउ मेनी डेज? 60 डेज। हाउ मेनी डेज? 60 डेज। देखो आपको ये वर्किंग बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर हो गया? आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है? अब देखो 30 जनवरी, बराबर है कि नहीं? यस और नो? मतलब जनवरी 30 हो गया। अभी जनवरी में कितना डेज होता है? 30 डेज होता है जनवरी में, सॉरी 31 डेज होता है जनवरी में। कितना डेज होता है? 31 डेज। 30 जनवरी को बिल बना, तो 30 दिन तो खत्म हो गए, तो बचा कितना दिन बताओ? बचा कितना दिन जल्दी बताओ, कितना दिन बचा? 1 दिन। वेरी गुड। माइनस 1 डे ऑफ जनवरी, राइट? हाँ, 31 डेज कैसे बचा? एक ही 30 डेज कैसे आएगा? कल्याणी बेटा, आपका बिल कौन से तारीख को बना है? 30 तारीख, मतलब 30 दिन हो गए ना। 30 के बाद क्या आएगा? 31 आएगा ना दोस्तों, 1 डे ना। 30 के बाद क्या आएगा? 31। तो चलो 1 दिन गया, चलो बचा कितना दिन आपके पास? 59 डेज। देखो एकदम प्यार से, एकदम आराम से, कोई घाई नहीं करना, आपने कोई घाई नहीं करना है, डेज में आएगा तो कोई घाई नहीं करना, ठीक है? यहां तक समझा सबको पहले बताओ। अब 59 डेज बचा, माइनस जनवरी के बाद अगला महीना फेब्रवरी आता है, फेब्रवरी में कितना डेज आएगा? 28 या 29 जल्दी बताओ, 28 या 29 जल्दी बताओ। फेब्रवरी में 28 आएगा, 29 आएगा? 2019 है, 28। वेरी गुड, 2019 है 28। तो माइनस 28 डेज ऑफ फेब्रुवरी, 28 डेज ऑफ फेब्रुवरी, चलो माइनस कर देते हैं हम इसको। चलो कितना बचा? ये 1 और 5 में से 31 डेज, ठीक है? चलो हो गया। अब बताओ कितना डेज बचा है? 31 डेज। तो मार्च बचा है अभी आपका, तो पूरा डेज आपका आएगा 31 डेज ऑफ मार्च, बराबर है क्या? नहीं? यस और नो? 31 डेज ऑफ मार्च, बराबर है क्या? नहीं? यस और नो? तो मार्च महीना भी पूरा चला गया अभी आपका, मार्च महीना भी खत्म हो गया आपका। अब बताओ क्या बचा? 0 डेज, बराबर है क्या? नहीं? यस और नो? मतलब आपके डेज खत्म हो गए, आपके डेज क्या हो गए? खत्म। आप पहले समझ लो हर चीज को, ठीक है? अंडरस्टूड एवरीवन? अब मैं आपको दो सवाल पूछता हूं, ठीक है? अब मैं आपको दो सवाल पूछेगा यहां पे। टेल मी नॉमिनल ड्यू डेट, 31 डे ऑफ मार्च ना, 31 डे ऑफ मार्च याद है ना, नॉमिनल ड्यू डेट क्या है, बराबर है? और लीगल ड्यू डेट क्या है जल्दी बताओ। नॉमिनल ड्यू डेट क्या है और लीगल ड्यू डेट क्या है? व्हाट इज द नॉमिनल ड्यू डेट? टेल मी नॉमिनल ड्यू डेट क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट क्या है? वेरी गुड सर्वेश, 31 मार्च, 1 अप्रैल, आपका 31वां दिन हो गया ना मार्च का, मार्च का 31वां दिन हो गया, बराबर है क्या? नहीं? यस और नो? 31 डे ऑफ मार्च, बराबर है क्या? नहीं? कौन सा? 31। 0 हो गया ना वहां पे, 31 पे, 31 पे 0 हो गया दोस्तों, देखो याद रखना।
ये जीरो हो गया ना यहाँ पे, तो यही आएगा आपका 31st पे जीरो हो गया ना आपका, 31 days ऑफ मार्च आपका जीरो हो गया उसके बाद, तो 31st day of March तो आपका आपका नॉमिनल ड्यू डेट आएगा 31st March 2019, 31st March 2019, ठीक है। सो याद रखो जीरो हो गया ना यहाँ पे डेज, तो यही लेना है आपको 31st day of March, यहाँ पे जीरो हो गया है ना, तो 31st day of March, 31st day of March, अंडरस्टूड एवरी वन, 31st day of March, 31st day of March। एक मिनट, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है दोस्तों, एक मिनट ना दोस्तों जरा। सो 31st day of March, ठीक है। सर क्लियर आ रहा है वीडियो सब? हाँ, तो देखो यहां पे क्या हो गया, देखो जिन लोगों ने 1 अप्रैल बोला, 1 अप्रैल आपका आंसर रॉन्ग है, 1 अप्रैल आपका आंसर रॉन्ग है। देखो यहां पे क्या हो गया, मैं वही तो समझा, यहां पे क्या हो गया है, 0 days, तो जहां पे डेज आपका क्या हो गया, जीरो, बराबर है क्या? नहीं, उसके ऊपर देखो 31st day of March, मतलब 31वां मार्च का 31वां दिन, मार्च महीने का 31st day। समझा सबको? अंडरस्टूड और नॉट? जल्दी बोलो, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया कि? जल्दी बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया? ओके, अब क्या करना है आपको, लीगल ड्यू डेट चाहिए, लीगल ड्यू डेट में से 3 दिन ऐड करना है। अब 31 मार्च हो गया, मार्च के बाद 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, तो आपका लीगल ड्यू डेट आएगा 3 अप्रैल 2019। समझ में आया सबको? समझ में आया सभी लोगों को? देवराज, 3 अप्रैल आरडी लगाने का बेटा, समझा सबको? अब बताओ कोई डाउट है तो, देखो अगर डाउट है तो बताओ मेरे को। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 बताइए मुझे। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए आप लोग। समझा सबको? देख लो आप लोग पूरा कैलकुलेशन देख लो, कोई डाउट है क्या? नहीं ना? यस और नो? समझा? ठीक है। अब आपको यहां पे आंसर मिल गया 3 अप्रैल। चलो मैं ऊपर जाता हूं, आंसर लिख देता हूं। अब मैं ऊपर जाता हूं, आंसर लिख देता हूं, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल 2019। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? चलो आगे, सेकेंड, 17 अगस्त 2019, 17th डे, 8 मंथ, 8वां महीना अगस्त होता है, 21st अगस्त 2000 डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, 3 मंथ्स आफ्टर साइट बोला है, 3 मंथ्स क्या बोला है? आफ्टर साइट, 3 मंथ्स क्या बोला है? आफ्टर साइट, आफ्टर साइट अगर है, आफ्टर साइट है, तो कौन सा डेट लेने का, डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेने का या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से लेने का? जल्दी बताओ, डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेने का या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से लेने का? टेल मी, डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेने का या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से लेने का? फास्ट, वेरी गुड, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से लेने का। तो 21st अगस्त 2019, सेकेंड, ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त 2019, ठीक है। और क्या बोला है, डेज या मंथ्स बोला है? 3 मंथ्स आफ्टर साइट, ठीक है। कितना बोला है? 3 मंथ्स आफ्टर साइट, बराबर है। सुन, ये तो मैं आपको खाली वर्किंग बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सबको? अंडरस्टूड और नॉट? अब सी, मंथ्स में टेंशन नहीं रहता भाई, मंथ्स में कोई टेंशन नहीं। ये हो गया डेट, ये हो गया मंथ, ये हो गया ईयर। डेज में टेंशन रहता है, मंथ्स में कुछ नहीं। कितना मंथ्स बोला? 3 मंथ्स। चलो, तो डैश डैश डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो आ गया 21st, 8
9, 10, 11, 2019 बराबर है कि नहीं? यस और नो? मंथ्स में टेंशन नहीं, टेंशन डेज में रहता है। क्लियर? चलो अब मुझे बताओ ये कौन सा डेट आया? ये आया आपका नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसमें मैं 3 दिन ऐड कर दूंगा। 3 दिन क्या कर दूंगा? ये मंथ्स है, देखो ये क्या था? मंथ्स था, बराबर है क्या? नहीं? यस और नो? ये क्या है? डेज है, डेज याद रखना। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ये आ गया 24th, 11, 11वां महीना बोले तो नवंबर। तो ये आ गया आपका लीगल ड्यू डेट। क्या आ गया आपका? ये लीगल ड्यू डेट 24th नवंबर 2019। सुनिए रफ है ये, वर्किंग आपको किधर करना नहीं है, ये रफ है। क्या है ये सब? रफ है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? तो बताओ कोई डाउट है? डेज और मंथ्स में क्या फर्क होता है, समझा? मंथ्स आपके लिए ज्यादा इजी है दोस्तों, मंथ आपके लिए ज्यादा इजी है, डेज भी इजी है, खाली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से महीने में कितना दिन होता है। तो जितना दिन यूज कर कम होते जाएगा उतना। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? समझा सबको? यस एवरीवन अंडरस्टूड? वेरी गुड वेरी गुड। चलो शाबाश। तो आपका लीगल ड्यू डेट, ड्यू डेट पूछा है तो ड्यू डेट मतलब लीगल, 24th नवंबर 2019, 24th नवंबर 2019, ठीक है? तो यहां पे खाली क्या पूछा है? ड्यू डेट। क्या पूछा है? ड्यू डेट बताओ। तो बाय डिफॉल्ट वो लीगल ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा? लीगल। ठीक है? कोई डाउट है आपको? अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया बेटा? चलो ठीक है। अब अगला है 23rd दिसंबर 2019 डेट ऑफ ड्रॉइंग, 26 दिसंबर 2019 डेट ऑफ एक्सर, 1 month आफ्टर डेट। क्या बोला है? 1 month आफ्टर डेट, 1 महीने के बाद। यस और नो? कितने महीने के बाद? 1 महीने के बाद। अब देखो अब यहां पे बोला है आफ्टर डेट। क्या बोला है यहां पे? आफ्टर डेट बोला है, आफ्टर डेट बोला है। वेरी गुड निखिल, लेकिन आपका आंसर रॉन्ग है निखिल। प्रेरणा का आंसर राइट है निखिल। 26 जनवरी पब्लिक हॉलिडे है, बराबर है ना? मिस्टर HK143, 26 जनवरी रॉन्ग है आपका, 26 जनवरी पब्लिक हॉलिडे है। यस और नो? तो 25 लेने का। हाँ किशन वेरी गुड। तो यहां पे हम डेट ऑफ ड्रॉइंग लेंगे, बराबर है ना? तो क्या है डेट ऑफ? 23/12/2019। हम करके घाई नहीं करने का दोस्तों, देखो अभी आप सीख रहे हो ये सब काम फास्ट फास्ट, घर आप एग्जाम में करना। 23 जनवरी 2019, 23 जनवरी 2019, 1 month आफ्टर डेट है ना? चलो प्लस मंथ में 23, सॉरी 23 दिसंबर है शायद, एक मिनट, हाँ 23 दिसंबर, आई एम सॉरी। चलो 1 month किया है। अब आप बोलेंगे सर 12 और 1 तो 13 होता है। अभी जैसे आपने पहले प्लस किया है तो ठीक है, अभी बोलेंगे सर 12 और 1 तो 13 होता है, 13 महीना नहीं होते ना, 12 ही महीने होते हैं। 13 महीना नहीं होता है, कितना महीना होता है? 12 महीना ही होता है, 13वां महीना कोई नहीं होता है। यस और नो? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। तो बात तो ये 13वां महीना कौन सा रहेगा? 12 महीना दिसंबर, तो 13वां महीना कौन सा रहेगा? जनवरी। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऐसा मत जाना, ठीक है? क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ पे अगर आप +1 करोगे तो आपका 13वां महीना आ जाएगा। तो आप बोले सर 23/13/2019, ठीक है आपके पास 23/13/2019, मंजे दैट इज 13वां महीना होता ही नहीं है, 13वां महीना तो होता ही नहीं है। तो 23, 13वां महीना कौन सा? 12 महीना दिसंबर, तो उसके बाद ही 13वां आएगा, 13वां नहीं मतलब पहला। तो 23 जनवरी 2020,
समझ में आई बात सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? तो बोलेंगे सर 13वां महीना तो हमको सिखाया ही नहीं आपने, हमको तो स्कूल में सब जगह बोला 12 महीना ही होता है, ये बात बता रहा हूँ आपको। तो ये आपका कौन सा ड्यू डेट आया दोस्तों? ये आपका नॉमिनल ड्यू डेट आया, ये आपका क्या आ गया? नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने 3 दिन ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 2020, ये आपका लीगल ड्यू डेट है। क्या है आपका? ये लीगल ड्यू डेट। लेकिन याद रखो, ये जो लीगल ड्यू डेट है ये पब्लिक हॉलिडे है, ये जो लीगल ड्यू डेट है ये आपका पब्लिक हॉलिडे है, ये जो लीगल ड्यू डेट है ये आपका पब्लिक हॉलिडे है, तो आप 26 जनवरी न लेते हुए इसका आंसर आएगा दैट इज 25 जनवरी 2020। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो द लीगल ड्यू डेट आपका आएगा 25 जनवरी 2020। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, तो चलिए हम आंसर लिख देते हैं यहाँ पे 25th जनवरी 2020। आप ऐसे 20 क्यों? जनवरी साल बंद, दिसंबर का साल चेंज होता है ना बेटा। वेरी गुड, प्रीसीडिंग डे क्वेश्चन, वेरी गुड, एक दिन पहले। क्लियर हो गया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। चलो कोई डाउट है आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा। डेट ऑफ ड्रॉइंग है, बिल ड्रॉन 28 जनवरी 2000, 28 जनवरी 2019। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 28 जनवरी 2020। तो देख मैं थोड़ा यहाँ पे 2020 गड़बड़ हो गया जरा सा, ठीक है, एक मिनट दोस्तों। इसको 19 कर दो, ठीक है, 28 जनवरी 2019, 28 जनवरी 2019, बराबर है? अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, दोनों डेट सेम है, मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन एक्सेप्ट हो गया। होता है कभी वही भाई, बायर सेलर आमने सामने, भाई मैंने बनाया आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों डेट सेम है, 28 जनवरी 2019, 28 जनवरी 2019, ध्यान देना। तो यहाँ पे आप देखो दोनों डेट क्या है आपकी, सेम है। 1 month after date, अभी आप बताओ 1 month after date, 1 महीने के बाद क्या डेट आएगी? अभी सिंपल सी चीजें देखो, 28 जनवरी 2000, नंबर, एक मिनट बेटा, नंबर 4, 28 जनवरी 2019, 1 month बोला है, अब दोनों डेट सेम है 1 month। ओके, आप इसमें 1 महीना ऐड कर दो तो ये हो गया 28 फरवरी 2019, बराबर है? 2019 जो है ये लीप ईयर नहीं है, तो 28 फरवरी पूरा हो गया, 28 फरवरी पूरा हो गया, ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी के 28 महीने, बराबर? तो ये आपका आ गया नॉमिनल ड्यू डेट, ये आपका क्या आ गया? नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसमें 3 दिन ऐड कर, तो 28 फरवरी हो गया आपका, अब इसमें 3 दिन ऐड करोगे तो वेरी गुड, ए 3rd फरवरी कैसे आएगा? अरे भाई फरवरी नहीं आएगा, धीरज वीरकर कुछ भी बोलता है, 3rd फरवरी के 28 दिन हो गए ना बेटा, फरवरी के 28 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं ना बेटा, तो फरवरी के 28 दिन खत्म हो गए, तो अब जो 3 दिन जाएंगे वो किस में जाएंगे? फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च, तो हम जब इसमें +3 करेंगे यस और नो, तो आपका आंसर जो होता है सुन, ये 3 डेज जो होता है वो किस में चला गया आपका? मार्च में। तो आपका जो लीगल ड्यू डेट आएगा वो आएगा 3rd मार्च 2019, ये आपका कौन सा ड्यू डेट आएगा? लीगल ड्यू डेट। सुन ये सब वर्किंग है, ये सब रफ है, ये सब आपका रफ है, अंडरस्टूड एवरीवन? जो मैं आपको करवा रहा हूं, जो आपके सामने कर रहा हूं मैं, ये सब रफ है, अंडरस्टूड एवरीवन? तो 3rd मार्च 2019, चलो भाई 3rd मार्च 2019, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? चलो नेक्स्ट है, फिर से डेज आ गया, डेट ऑफ ड्रॉइंग है 30 जून, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 2 जुलाई, 7वां महीना बोलते जुलाई, 45 डेज आफ्टर डेट,
क्या बोला है, 45 days आफ्टर डेट। आफ्टर डेट में तो कौन सी डेट लेने का, डेट ऑफ ड्रॉविंग से, डेट ऑफ ड्रॉविंग। तो 30 जून 2019 नंबर 5, 30 जून 2019, 45 days, ध्यान देना अभी, 45 days, ठीक है, 45 days, बहुत ध्यान से, अंडरस्टूड एवरीवन, डेज आ गया है, ओके, वृषाली मिंदे घाई मत करो, वृषाली एम घाई मत करो। अब 30 जून है हमारा, तो जून में कितने दिन होते हैं, 30, जून में कितने दिन होते हैं, 30, तो जून महीना चला गया, जून महीने में का कोई भी दिन इसमें से माइनस नहीं होगा, 30 जून को बिल ड्रॉ हुआ तो 30 के 30 दिन चले गए। अब जून के बाद जुलाई, जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, 31 डेज ऑफ जुलाई माइनस किया मैंने, ये 4 बचा और ये 1, तो 14 डेज बचे माइनस। अब जुलाई के बाद क्या आता है, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, तो 14 दिन ले लो अगस्त के, तो दैट इज, इसको नील जीरो करना है आपको, याद, इसको जीरो करना है, 14 डेज ऑफ अगस्त, चलो ये क्या हो गया, 0 डेज हो गया आपका, समझ में आया आपको, ये डेज को आपको जीरो तक लाना है, ये डेज को आपको जीरो, सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप बताओ व्हाट इज द, व्हाट इज द नॉमिनल ड्यू डेट, व्हाट इज द नॉमिनल ड्यू डेट, जल्दी बताओ, जीरो हो गया है तो जीरो की टी, 14 डेज ऑफ अगस्त मतलब 14th अगस्त, 14th डेट ऑफ अगस्त मतलब 14th अगस्त, ओके, ठीक है। 13th कैसे आएगा गौरी, 14 आएगा ना बेटा, 14 डेज ऑफ अगस्त लिया है ना हमने, यस और नो, तो 14th अगस्त 2019। अब मुझे चाहिए कौन सा ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, इसमें 3 दिन ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 17th अगस्त 2019, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17th अगस्त 2019। क्लियर हो गया सभी लोगों को, क्लियर हो गया सबको, तो याद रखो डेज में बहुत संभालना है, तो आपका आंसर यहां पे आ गया, सेवेंटींथ अगस्त 2019। अंडरस्टूड एवरी वन, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड और नॉट, समझा सबको, अरे हाँ या ना, क्लियर हो गया सभी लोगों को, फास्ट सुन, क्योंकि ये कंप्लीट द फॉलोइंग है, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, क्लियर, चल नेक्स्ट। अब मैं आपको पूछूंगा, ठीक है, आप मेरे को इसका आंसर बताइए, ठीक है, आप, अब देखो यहां पे कैसा, अभी सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ टेन्योर, टाइप, टाइप क्या, आफ्टर डेट, आफ्टर साइड, आफ्टर डेट, आफ्टर साइड, आफ्टर डेट, नॉमिनल एंड लीगल, लीगल में याद रखना 3 दिन ऐड कर, जो भी नॉमिनल ड्यू डेट आएगा उसमें 3 दिन ऐड करना। चलो डेट ऑफ ड्रॉइंग 30 जनवरी 2020 को बना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 5th जनवरी 2020, 45 डेज आफ्टर डेट, आफ्टर डेट मतलब कहां से लेना है आपने, डेट ऑफ ड्रॉइंग से। चलो जल्दी बताओ इसका नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगा, पहला नॉमिनल बताओ मेरे को इसका क्या आएगा, इसमें आपने कौन से डेट से काउंट करना है, आफ्टर डेट है ना, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन, और 45 डेज, 14th फेब्रुवरी, ईयर भी बोलना पड़ता है प्रेरणा, ईयर भी बोलना पड़ता है, जल्दी बताओ, ठीक है, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, ये 1 मिनट,
मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। 14 फेब मैंने पूछा आपका नॉमिनल ड्यू डेट है, 3 जनवरी 2020 45 दिन, थर्ड जनवरी 2019 45 डेज, ठीक है। अब मेरे को बताओ जनवरी थर्ड, तो जनवरी के कितने दिन बचे हैं, जितने दिन बचे हैं शिल्लक है जनवरी महीने, बिल बनाने के बाद उतने दिन खत्म हो गए, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, है ना। 31 डेज में से 3 दिन चले गए आपके, तो कितना बच गया आपके पास बताओ, हाउ मेनी डेज ऑफ जनवरी, 31 चला गया तो बताओ कितना बचा, हाउ मेनी डेज, 2020, अच्छा 2020 है, मैं ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, चलो बताओ फास्ट जल्दी बताओ। हाँ 28 डेज, तो आपके बचे हैं 28 डेज ऑफ जनवरी, राइट। चलो इसमें से मैंने 28 डेज माइनस कर दिया, 28 डेज ऑफ जनवरी, चलो चलो कितना बचा अभी आपका डेज, यहाँ पे 15 है, 5, 15 में से 8 गया आपका, 7, 1, तो ये आपके 17 डेज बच गए, बराबर है क्या, नहीं, यस और नो, क्या बच गए आपके 17 डेज, तो ये 28 डेज किसके माइनस किए मैंने, जनवरी के, बराबर है क्या, नहीं, यस और नो, चलो माइनस फेब्रुआरी में 28, अभी ये लीप ईयर है 2020, तो 29 दिन होते हैं, पर अपना 17 दिन में ही काम हो रहा है, तो माइनस 17 डेज ऑफ फेब्रुआरी, अब ये हो गया 0 डेज, ठीक है, अब ये हो गया आपका 0 डेज, समझ में आया सबको। 14 फेब, कुछ भी बोलने का क्या प्रेरणा, 14 फेब को क्या है मालूम है सबको, चलो तो बताइए यहाँ पे क्या है, 0 डेज। अब बताओ व्हाट इज द लीगल, अब नॉमिनल 17 डेज ऑफ फेब, हाँ तो 17th फेब 2020, बराबर है कि नहीं, तो इसका आपका डेट आया 17th फेब 2020, और लीगल में क्या करना है, 3 दिन ऐड कर दो, लीगल में क्या करना है, 3 दिन ऐड कर दो, तो 20 फेब्रुअरी 2020, अंडरस्टूड एवरी वन, क्लियर। एग्जाम में जब आएगा आपको तो ये कॉलम पूरा बनाना पड़ेगा आपको, एग्जाम में जब आएगा तो पूरा कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, अंडरस्टूड है, सेम सीरियल नंबर, डेट, डेट ऑफ एसएम, टेन्योर टाइप, समझ में आए, पूरा कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, अंडरस्टूड ऑन नॉट, चलो ठीक है, आगे फास्ट दोस्तों फटाफट करते हैं हम लोग, समय कम है, चलो 9th अप्रैल 2019 डेट ऑफ ड्रॉइंग है, 12th अप्रैल टू डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 4 मंथ्स आफ्टर साइट, आफ्टर साइट बोला है दोस्तों, क्या बोला है, आफ्टर साइट, 4 मंथ्स आफ्टर साइट, आफ्टर साइट में क्या लेने का, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बराबर है क्या, नहीं, यस और नो, अंडरस्टूड एवरीवन, ओके, चलो बताओ 12 अप्रैल से 4 महीने लेने का, 12 अप्रैल से 4 महीना, अप्रैल 12 अप्रैल से 12 मई, 12 मई से 12 जून, 12 जून से 12 जुलाई, 12 जुलाई से 12 अगस्त, बराबर है, 4 महीना 12 अगस्त आता है, वेरी गुड प्रेरणा, वेरी गुड, 12 अगस्त, मंथ गिनना बहुत आसान है, तो आपका 12 अगस्त आता है, 12th अगस्त 2019, बराबर है ना, 12 अगस्त, बराबर है क्या, नहीं, और आपका लीगल ड्यू डेट आएगा, अभी 12 में 3 दिन ऐड करो तो 15 अगस्त आता है, 12 में 3 दिन ऐड करोगे तो 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त चलेगा नहीं, पब्लिक हॉलीडे एक दिन पहला, तो आपका जो लीगल ड्यू डेट आएगा वो आएगा 14th अगस्त, क्या लिखना, 14th अगस्त 2019, वेरी गुड, 15 अगस्त आ रहा है पर 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है, तो आपने एक दिन पहले लेना है, प्रीसीडिंग डे, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड ऑन नॉट, समझा, वेरी गुड, 14th अगस्त 2019, अंडरस्टूड एवरी वन, क्लियर हो गया सबको, अरे हाँ या ना, चलो वेरी गुड, मंथ तो आप फटाफट कर लेते हो दोस्तों, मंथ में आपको दिक्कत नहीं आती है, डेज में थोड़ा तकलीफ है आपको, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों आपको, क्लियर हो गया,
चलो अब आगे है नेक्स्ट वाला, 23rd नवंबर 2019, डेट ऑफ ड्रॉविंग है 23rd नवंबर 2019। देखो ये बुक में मिस्टेक्स रहती हैं दोस्तों। चलो 2 मंथ्स आफ्टर डेट, क्या बोला है? 2 मंथ्स आफ्टर डेट, आफ्टर डेट, 2 मंथ्स आफ्टर डेट। आफ्टर डेट फिर कहां से लेने का? डेट ऑफ ड्रॉविंग से लेने का। आफ्टर डेट रहेगा तो कहां से लेने का? डेट ऑफ ड्रॉविंग। अब 23 नवंबर से 2 महीना, 23 नवंबर से 23 दिसंबर, देखो ध्यान से, 23 नवंबर से 23 दिसंबर 1 महीना हुआ, 23 दिसंबर से 23 जनवरी 2 महीना हुआ। मोटा मोटा हिसाब, अंगूठा छाप वाले ऐसे करते हैं जो कम पढ़े लिखे, हम लोग पढ़े लिखे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, आया ना? तो 23 नवंबर से 23 दिसंबर, 23 दिसंबर से 23 जनवरी 2 महीना हुआ। 23 जनवरी साल बदलेगा, दिसंबर का साल बदलता है, तो आपका लीगल ड्यू डेट आएगा 23rd जनवरी 2020। ये आपका कौन सा ड्यू डेट आया? नॉमिनल, सॉरी नॉमिनल ड्यू डेट आया, है ना? नॉमिनल ड्यू डेट आया। अब इसमें क्या करना है? आपने 3 दिन ऐड करना है, तो 23 जनवरी तो हो चुका है, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। पर 26 जनवरी लीगल ड्यू डेट आया है, पर 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है, 24 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है, तो 1 दिन पहले, तो 1 दिन पहले क्या लेंगे हम? इसका आंसर आएगा 25th जनवरी 2020। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? यस और नो? अंडरस्टूड और नॉट? समझा? क्लियर? ठीक है, चलो फास्ट। नेक्स्ट, 16th अगस्त 2019 डेट ऑफ ड्रॉविंग है, 20th अगस्त 2019 डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, टेन्योर है 4 मंथ्स आफ्टर साइट, आफ्टर साइट 4 मंथ्स आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब कहां से लेने का? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, सॉरी। चल नेक्स्ट, अभी हमारा आएगा यहां से 4 मंथ्स। देखो 20th अगस्त, अगस्त से 4 महीना, 20 अगस्त से 20 सितंबर, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, 20 नवंबर से 20 दिसंबर, 4 महीना हुआ। तो 20th, सॉरी 20th, 20 दिसंबर 2019। अब 3 दिन ऐड कर दो, तो 23 दिसंबर 2019। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? चलो देखो, 20 अगस्त हो गया, 20 अगस्त से 20 सितंबर 1 महीना हो गया, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर 2 महीना हो गया, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 3 महीना हो गया, 20 नवंबर से 20 दिसंबर 4 महीना हो गया। ये आपका नॉमिनल है, अभी से 3 दिन आ रहे तो 23 दिसंबर आ गया। ठीक है, चलो अब आता है हमारा लास्ट है इस, ये तो यहाँ पे है आपका डेट ऑफ ड्रॉविंग है 23rd दिसंबर और 24, 60 डेज आफ्टर डेट, सो आफ्टर डेट है। ठीक है, आफ्टर डेट 60 डेज आफ्टर डेट। आफ्टर डेट तो कौन सा डेट लेंगे आप? 23rd दिसंबर 2019 से लेना आपने। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? चलो 60 डेज, ठीक है, अब इसमें बहुत ध्यान देना है, ठीक है आपको 60 डेज। चलो इसको वर्किंग करते हैं, रफ करने का, जो नहीं समझे उसका वर्किंग करो। नंबर 5 क्या है? 23rd दिसंबर 2018, 23rd दिसंबर 2018, हाउ मेनी डेज? 60 डेज। चलो माइनस, अब ये बिल कभी बना? 23 दिसंबर को, तो 23 दिन चले गए दिसंबर के, तो रिमेनिंग डेज कितने दिसंबर के? दिसंबर 31 डेज का होता है, तो 8 डेज, 8 डेज ऑफ दिसंबर, राइट? अब इसको हम माइनस कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 52 डेज। दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी में 31 डेज होता है, जनवरी के माइनस 31 डेज
ऑफ जनवरी, ठीक है, ये भी माइनस कर दिया मैंने इसमें से, 121, ठीक है, 21 डेज, जनवरी या फरवरी, फरवरी में माइनस 21 डेज ऑफ फरवरी, भाई उसको नील करना है आपको, याद रखो डेज को लास्ट में 0 डेज बचा। तो आपका आपका नॉमिनल ड्यू डेट आया 21 डेज ऑफ, मतलब फरवरी का 21वां दिन, मतलब 21 फरवरी, राइट, 21 फरवरी 2019 ना, 21 फरवरी 2019, इसमें 3 दिन ऐड कर दो तो 24 फरवरी 2019। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अरे हाँ या ना, क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? समझा सभी लोगों को? क्लियर? यस एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मेट खत्म हो गया। सो ये संडे को जो बिलॉग एक्सचेंज पे टेस्ट रहेगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी आप जूम मीटिंग में लूंगा और वहां बताऊंगा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, कि कैसा पेपर रहेगा, आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को ना दोस्तों? यस, एनीवन हैविंग डाउट्स? नो? चलो ठीक है।